अस्सलाम वालेकुम। मेवात जिस जगह का नाम है मेवात, जब कहीं भी कोई शब्द आता उसको किस आंखों से देखा जाता है? तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं तेरी पढ़ लू कुरान। और आप लोग जो मुझे प्यार प्रेम देते हो, मेरी जाति और धर्म देखकर नहीं, मेरे कर्म देखकर देते हो। सभा के अंदर हमारे जितने भी सम्मानित बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी व प्यारे बच्चे, आप सभी साथियों को आपके अपने बेटे अरस चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, अस्सलाम वालेकुम। बात यह आती है, मेवात जिस जगह का नाम है मेवात, जब कहीं भी कोई शब्द आता उसको किस आंखों से देखा जाता है? बड़े जो घराने हैं, जहां बड़े बड़े नेता मंत्री बैठते हैं, वो किसी भी पार्टी के, जहां मेयर शब्द आता है वो आपको किस नजर से देखते हैं? यहां पे अभी मेरे बड़े भाई साहब थे मंच संचालक जी, जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। हमें खुशी होती है ये बात सुनकर, हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा महान थे, इसमें कोई शक नहीं, ये किताबों में लिखा हुआ है। बड़ी चीज ये है हम कितने महान हैं, हमने अपने मेवात के लिए क्या किया है? बात आज की करो, हमारे जो पूर्वज थे वो तो कर गए, वो हमारे बीच में नहीं है, वो अच्छे इंसान थे तभी तो हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन रोना इस बात का आता है, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, राज आते हैं चले जाते हैं, राज आएंगे चले जाएंगे, हमने अपने मेवात में क्या बदलाव किया? असलियत यह है, जब मेवात का नाम आता है, मैं सोनीपत रहता हूं दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, इसकी हकीकत बताता हूं, मेवात को क्या कहते हैं? मेवात को कहते हैं, मेवात के बारे में कहते हैं सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, ना कोई शिक्षा, ना कोई बिजनेस, ना कोई रोजगार। अरे घोड़े वाले लोग हैं, किसी भी टाइम जाके पटा लेना, उनके लिए क्या करना है? यह आप लोगों को कहा जाता है। मैं ये कहता हूं, ये नेता मंत्रियों की कमजोरी नहीं, आप लोगों की कमजोरी है। आप मतलब उनकी नजर में मूर्ख हो, आप सच में मूर्ख बने हुए हो। हर बार आपके अंदर एक कीड़ा छोड़ा जाता है हिंदू मुसलमान के नाम द्वारा, आप लोगों को लड़ाने के लिए और उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो ही काफी है। और जैसे ही चुनाव पूरा होता है आपकी लड़ाई भी खत्म। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को समझे, हिंदू मुसलमान ना ही हिंदू अनजान ना ही मुसलमान अनजान, दोनों एक ही मां के बेटे हैं, दोनों हिंदुस्तान की शान है। तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं तेरी पढ़ लू कुरान। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपस में एक दूसरे धर्म से नफरत करो, अन्याय करो। लेकिन ये बातें चुनाव के टाइम पे कहां से निकल के आ जाती है? बड़े भाई साहब ने जो बातें कही उन्हीं के बीच एक बात बताता हूं। सबसे पहली लड़ाई अंग्रेजों के साथ जो 1757 में हुई, वो लड़ाई सबसे पहले लड़ी किसने थी? भाई साहब ने बताया चांद खां मेवाती ने सबसे पहले गोली चलाई थी, सत्यता है। लेकिन वो लड़ाई जो शुरू हुई बंगाल से हुई थी, बंगाल में साधु संतों की और मौलवी जियों की मीटिंग हुई कि हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो रहा है, हम ही लोग वो हैं जो इनको बचा सकते हैं क्योंकि हमारे को गुरु मानते हैं। 5000 साधु संत और मौलवी इकट्ठे हुए, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू की। उन्होंने बेटियों को, बच्चियों को, बच्चों को, सभी को एक साइड करके स्वयं लड़ने का फैसला लिया, जिसमें बड़े बड़े मौलवियों की, साधुओं की उम्र 90 से 95 वर्ष थी। वे बुजुर्ग हमारे लिए लड़ते रहे, लेकिन हिंदुस्तान एक इतना गुलाम हिंदुस्तान हो चुका था, अगर किसी मौलवी को, किसी साधु संत को पीटा जाता था, हमारे अपने लोग बैठकर तमाशा देखते थे और उसका मजाक बनाते थे। एक अफसर ने, अफसर साहब ने, अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था, हम 4 साधु संत और मौलवियों को गिरफ्तार करके भरे बाजार में लेके गए, हमने उनके साथ नंगा नाच किया, और वहां हिंदुस्तान की जो आवाम, जो भीड़, वो लाखों की संख्या में
अपने साधु जी को, अपने मौलवी जी को जिनको आप पूछते हो, उन पर कोड़े लगते देखकर हंस रही थी, उनकी खिल्लियां उड़ा रही थी। वो इतनी भीड़ थी, अगर उस टाइम पर वो हमारे पर हमला करते, हमारे अंदर से खून का एक कतरा तक नहीं बचता। लेकिन जब हम गुलाम हो जाते हैं, हमारा ही आदमी हमारे को दुश्मन दिखने लग जाता है। 1757 से 1800 तक वो इंसान लड़ते रहे, लड़ते लड़ते वो खप गए, खत्म हो गए। वो जब खत्म होते हैं, खत्म होने के बाद अंग्रेज हमारे लिए नई चीज लेके आए, शराब, मदिरा पान बड़े राजा महाराजा भी करते थे, लेकिन वो लेके आए अपने वाले इंग्लिश शराब। 1832 में बंगाल के अंदर पहली शराब की दुकान खोली और उन्होंने हर इंसान को हरी शराब पिलाई। जब 10 दिन वो शराब पीते पीते हो जाते, हमारे आदमी उसके आदरी हो चुके, शराब लेने के लिए भीड़ लगने लग गई, तब अंग्रेजों ने 10 दुकानें और खोल दी और वो शराब पैसों में बेचनी शुरू कर दी। आज के हालात ये है, हर गांव के अंदर आपको अस्पताल मिले या ना मिले, ठेका जरूर मिलेगा। हर गांव के अंदर स्कूल शिक्षा की कोई चीज मिले या ना मिले, ठेका जरूर मिलेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ठेके के अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है, शाम को जिसके बाहर जाएंगे आपको भीड़ लगी मिलेगी। मजदूर गरीब मेहनत करने वाला इंसान 100 रुपए दिन में कमाता है तो 100 रुपए वहां ठेके पे लगा देता है, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को आदि बना दिया है। मेवात की जब आप बात करते हो, सबसे पहले तो आप साथियों को मैं बता देता हूं, ये सब काम वहां होते हैं शिक्षा के कारण। जहां पढ़ा लिखा वर्ग होगा वो कभी भी पिछड़ा वर्ग नहीं हो सकता। आपके पीछे आपकी वोट लेकर नेता मंत्रियों को बेटे तो पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, और आपके बच्चे क्या करते हैं, जो उनके बैनर पोस्टर उठा के उनके पीछे घूमते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहां पर आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। इस लड़ाई को वास्तविकता में हम लोग मिटा सकते हैं। राजा को बनाने वाली पर्चा होती है, पर्चा क्या ये सोचने के लिए भी अंधी बैरी हो चुकी है, हमें किसे चुनना है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, जब तक शिक्षित नहीं होगे आप कोई भी फैसला सही नहीं ले सकते। कमांडो साहब हिदायत खान साहब मेरे पीछे खड़े हैं, इनकी जो टीम है, मैं सलाम करता हूं इस टीम को। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कमांडो साहब हिदायत खान साहब किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, किस धर्म में इन्होंने जन्म लिया है, ये मायने नहीं करती। मायने करते इनके कर्म। अगर आप आज हम इनको जानते तो इनके कर्मों के कारण। और आप लोग जो मुझे प्यार प्रेम देते हो, मेरी जाति और धर्म देखकर नहीं, मेरे कर्म देखकर देते हो। मैं कमांडो साहब को अपने पिता के समान मानता हूं। पिता कौन होता है, जन्म देने वाला, पैदा करने वाला, जिसका नाम हमेशा हमारे नाम के पीछे जुड़ता है। ये हरस शिकारा फलाने का पुत्र, अगर हम उसके समान किसी को मानते हैं, किसी को दर्जा देते हैं, उसके काम देखकर देते हैं, उसकी जात और मजहब देखकर नहीं। जितने नौजवान साथी हैं सबके सब फोन चलाते हैं, जितने छोटे बच्चे फोन चलाते हैं, आप लोग जो इनको दिखाओगे वो वही सीखेंगे। फोन के अंदर क्या आता है, फोन के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारे को बिगाड़ने वाली बात से अलग कोई चीज परोस के आपको दी नहीं सकती। और आप उसी चीज को देख के, जो यूथ है, नए बच्चे हैं, जिनकी मात्र उम्र 5-6 साल है, वो भी हिंदू मुसलमान की बातें करने लग गए। जिनको आज तक कच्ची पहनी नहीं आती, वो हिंदू मुसलमान की बातें करते, क्यों, क्योंकि उनको दिखाया वही जाता है। मैं आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं, इस मेवात को बचा लो। दोबारा से मेव के अंदर एकता हुई है, जो वो पंचायत थी जिस पंचायत के अंदर आप लोगों ने दमखम दिखाया, उसके बाद दोबारा से आप लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हो और सरकार को आप लोगों ने वापिस हटाया है, वापिस बैक फुट पे लाया है। आप सभी साथियों से इतना ही कहूंगा, पहली बात, राजनीति, राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो 5 साल में चुनाव आता है, सब पार्टियां सब नेता अपना दमखम दिखाते हैं, उसका हिस्सा बनो, अपनी वोट डालो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको जो वोट की ताकत दी उसका इस्तेमाल करो, लेकिन उनके चक्कर में पड़ के अपना भाईचारा कमजोर मत करो, अपने भाई को अपने भाई का दुश्मन मत देखो।
शिक्षा की जो शुरुआत की है, मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, मेव के अंदर, मेवात के अंदर तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा की जो पहल की कमांडो साहब ने, शिक्षा वो मंदिर है, यहां से जो आप सीखोगे, जो आप पढ़ोगे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे सामने बैठे, इन्हीं का कहना है दो चीजों को जिंदगी भर कोई नहीं बांट सकता, एक ज्ञान और दूसरी जान, यानी कि आपकी ताकत। तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो शिक्षित होगा, एक शिक्षित होने के कारण, एक सरकारी नौकरी लगने के कारण, या एक इंसान का रोजगार करने के कारण तीन पीढ़ियां सुधरती है। स्वयं वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देके जाता है। शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर।